अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ कॉर्प इंश्योरेंस। कॉर्प इंश्योरेंस बेसिकली एक टाइप है इंश्योरेंस की, जिसमें किसानों को इंश्योरेंस दी जाती है। ये इंश्योरेंस बेसिकली ये होती है कि अगर कोई किसान है और उसकी फसल को किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया, या कीड़ों से, या उसे बारिश से, सैलाब से, या गर्मी से, किसी भी वजह से उसकी फसल को कोई नुकसान होता है, तो ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी उसे उसका नुकसान जो है उसके पैसे वापस करती है। ये इंश्योरेंस की एक ऐसी टाइप है जो किसानों के लिए काफ़ी मुफीद होती है, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली किसानों को इसका पता ही नहीं है, इस इंश्योरेंस के टाइप का। यह इंश्योरेंस बेसिकली किसानों के लिए बहुत मुफीद है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इस इंश्योरेंस में बेसिकली किसानों को किसी किस्म का कोई नुकसान हो, उनकी फसल जल जाए, फसल को कीड़े पड़ जाए, या फसल के साथ कुछ भी हो जाए, ऐसी सूरत में किसान को इंश्योरेंस कंपनी उसके पैसे देती है। अगर आप में से कोई किसान है या किसान की फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसे ये पता होगा कि किसान के लिए सब कुछ ही उसकी फसल होती है, क्योंकि वो अपनी सारी जमा पूंजी उसी में इन्वेस्ट कर देता है। और अगर फसल को कुछ हो जाए तो किसान की खुदकुशी करने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसी सूरत में एक कॉर्प इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है इन किसानों के लिए। कॉर्प इंश्योरेंस बेसिकली किसानों के लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारे यहाँ किसानों को मोस्टली इंश्योरेंस के मतलब पता ही नहीं है, उन्हें कोई आगाही नहीं दी जाती। अगर किसानों को इस चीज़ का पता हो और उन्हें ये पता हो कि ये इंश्योरेंस कितनी बेनिफिट है, उनके लिए बेनिफिशियल है, तो वो इंश्योरेंस ज़रूर लेंगे। और इसे लेने का ये भी फ़ायदा हुआ कि आपको पता है कि किसानों के साथ कितने बुरा हाल होता है, उनकी खुदकुशी करने तक की नौबत आ जाती है। तो अगर किसानों को ये पता हो कि ये उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, और अगर वो इंश्योरेंस बाय करें तो उनके ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।